हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दिन है थर्सडे और सुबह के बज रहे हैं 6 और आज तारीख है 1 अप्रैल और मैं कर रही हूँ सुबह वाली पूजा, क्योंकि मैं सुबह वाली पूजा 6 बजे तक ख़त्म कर देती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, मेरे 6 बजे तक पूजा हो जाती है। अब मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है। और मैं यहाँ पर सभी अपनी आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे, सबके लिए कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। मैंने चाय के साथ बनाए भुने हैं ये चिप्स, जो मैंने आलू के चिप्स घर पर बनाए थे। अब मैं चाय के साथ चिप्स खा रही हूँ। मेरी बेटी कह रही थी कि आज चाय के साथ सुबह चिप्स भूनो, चाय के साथ अच्छे लगते हैं चिप्स। अब ये क्लिप दोपहर की है, मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ आलू भट्टे की सब्जी, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब बहुत पसंद करते हैं। ये सब्जी मैं थोड़ी बना रही हूँ और इधर बना रही हूँ मैं कढ़ी। आज मैं कढ़ी बिना पकौड़ी वाली बना रही हूँ। मैंने डाले हैं इसमें काट कर आलू। आलू वाली कढ़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद लिया है। अब मैं साथ के साथ ही रोटियाँ भी सेक लूँगी। एक सब्जी मेरी बन चुकी है और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। दूसरी गैस पर कढ़ी पक रही है। जब तक मेरी कढ़ी पक जाएगी सही तरीके से, कढ़ी पकने में आधा घंटा तो लगता ही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो चुका है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। ये बनी है मेरी टेस्टी वाली कढ़ी। ये क्लिप फ्रेंड्स मेरी शाम वाली है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ शाम की पूजा। शाम को भी मैं 6 बजे पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। अभी 6 बजे हैं और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं बना रही हूँ रात का खाना। आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ केले की सब्जी। केले की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। इसमें कोई ज़्यादा काम झाम भी करना नहीं पड़ता, ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं पड़ती, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। मैंने डाला इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और जीरा और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको भूनकर फिर मैंने ग्रेट किए हुए टमाटर और प्याज डाल दिए हैं। आज मैंने प्याज को ग्रेट कर डाला है, कट कर नहीं डाला, क्योंकि ये मसाले सब मिक्स हो जाते हैं तो ग्रेवी और भी टेस्टी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी पक चुकी है। हमारी ग्रेवी पक रही है, सभी मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं। और मैंने केले भी बारीक बारीक काट कर रख लिए हैं। आज मैंने केले में 2 सीटी लगाई है, क्योंकि वो कच्चे रह जाते हैं फिर अच्छे नहीं लगते। हमारा मसाला भुन चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक मैंने बाद में ही डाला है। मैंने गैस को बहुत कम कर रखा है, जिससे कि हमारे मसाले सही तरीके से भुन जाए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए केले। केले को मैंने बारीक बारीक काट रखा है, क्योंकि अगर हम केले और ज़्यादा इसमें काटेंगे तो वे गलते नहीं हैं और कच्चापन रह जाता है उनके अंदर। अब मैं इनके वो अच्छी तरीके से ग्रेवी में भून रही हूँ, जिससे कि इनके अंदर तक मसाला चला जाए।
लीजिए फ्रेंड्स, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है हमारी केले की सब्ज़ी। और मैंने इसमें डाला है एक कटोरी पानी। मैं ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी केले की सब्ज़ी हो गई है तैयार। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खाना रेडी हो चुका है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खाना खा लीजिए। फ्रेंड्स कमेंट्स में बताना मेरा आपको कौन सा खाना अच्छा लगा, दोपहर वाला या शाम वाला, कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो देखते हो और चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे। अभी तक मैंने काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइब आप भी देख रहे होंगे बहुत ही कम है, इसलिए मेरा मन टूट जाता है। फिर मैं वीडियो कई दिन तक नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर बनाने लगती हूँ कि फ्रेंड्स जैसे देखते हैं, जो भी करते हैं उन्हें तो देखती वीडियो देखने को मिल जाए। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। और आपको तब तक के लिए बाय, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी।